तो डग रही हो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं ना भाई, वैसे वैसे ना जगह और सुंदर होती जा रही है। और ये देखो भाई, ये है अपना सल्फर पुल। क्या कह रहा है? गर्मी हो रही है यार, बहुत यार। यार तू बोल तो सही रहा है, मार्च का महीना है और ऐसी चमचमाती धूप, गर्मी तो होगी ही। तो एक काम करते हैं ना, आज एक ठंडी जगह चलते हैं। तो दगड़ियों, स्वागत छू आप सभी को मेरे YouTube चैनल ट्रेवल बग में। तो दगड़ियों, मार्च का है महीना और देहरादून में ना हल्की हल्की सी गर्मी जो है वो पड़ने स्टार्ट हो गई है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी जगह चला जाए जो थोड़ी ठंडी हो। तो इसीलिए आज अपन जा रहे हैं मालदेवता के सल्फर पूल में। एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जगह ना पहले भी देखी होगी, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में ये जगह बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो वहाँ पे नहीं गया हूँ। और क्या कह रहे हो, आज अपनी एक्टिवा कहाँ है? तो अगर याद होगा मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि भाई अपनी एक्टिवा के ना थोड़े अंजर पंजर जो है वो थोड़े ढीले हो रखे हैं, तो इसीलिए उसे छोड़ रखा है सर्विस सेंटर पे। तो अभी फिलहाल अपन लोग जा रहे हैं सहजधारा की तरफ और वहां से निकलेंगे मालदेवता की तरफ। तो मैंने सोचा क्योंकि नॉर्मल जो रायपुर वाला मालदेवता का रास्ता है वहां से बहुत बार चले गए, तो क्यों ना यहां से चला जाए। बाकी सामने देखो अपने सहजधारा के पहाड़। अब देखो सहजधारा से मालदेवता जाने के लिए भी ना दो दो रास्ते हैं, एक तो जो ये नया रास्ता बना है नदी के साथ साथ और एक रास्ता ये पुराना वाला है। तो हम जाएंगे इस पुराने वाले रास्ते में और ये रास्ता तुम्हारे भाई का ना पर्सनल फेवरेट है, रीजन मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। तो जी ये रहा बगल में हमारा रीजन। तो ये जो सड़क है ना इसके साथ साथ ये नहर बहती है, बगल में देखो प्यारे हरे हरे खेत है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। और यहीं पे ना मेरी नानी का घर भी है। बाकी जगह देखो भाई, बहुत प्यारी जगह है। अगर आप लोग चाहते हो ना अपनी नानी के घर आके यहाँ का व्लॉग बनाओ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से मालदेवता की तरफ। तो जी हम पहुंच चुके हैं वापस से मालदेवता के प्रसिद्ध वाटरफॉल में। एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने मेरी यहाँ की ना वीडियो जरूर देखी होगी जो कि मैंने थोड़ा टाइम पहले ही डाली थी। तो भाई जी इस वाटरफॉल के आगे ना मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो सब कुछ बहुत नया नया होगा। तो जी अभी ना थोड़ा सा आगे आए हैं और यहाँ पे बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा था, तो सोचा आप लोगों से बात कर ले। बाकी वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही ना ट्रैवलिंग में कुछ अच्छा देखने के लिए कुछ सहना पड़ता है और हमें सहन करनी है ये टूटी फूटी सड़क। तो पूरा का पूरा रास्ता ना सल्फर पूल तक है वो ऐसा ही है कच्चा पक्का, तो वो हमको सहना पड़ेगा। लेकिन वाह ये नज़ारे देखो जरा कितने मस्त लग रहे हैं। अभी फिलहाल ये तो शुरुआत है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना तो ये और ज़्यादा सुंदर होता रहेगा। बाकी चलिए फिर चलते हैं यहाँ से आगे। अरे बाप रे, और ये देखो जरा तालाब हमें जो क्रॉस करने पड़ रहे हैं, डर भी लग रहा है। और भैंस की आंख, पैरों पकड़ ले। अरे पांच और की उम्मीद से ज्यादा गहरा था। तो जी अभी ना चलते चलते काफी आगे आ गए हैं और अभी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज दिखी थी तो सोचा आप लोग को दिखा देते हैं। बाकी सामने देखो वो रहा गांव जहाँ पे सिर्फ 5 या 6 घर हैं, और भाई इतने ज्यादा रिमोट एरिया पे है ना। और सिर्फ गांव इंटरेस्टिंग नहीं है, वहां तक पहुंचना भी उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखो भाई कितना साफ पानी है। बाकी देखो जब बरसात होती है ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक पानी आता है, और अभी तो पानी कम है तो इसलिए रास्ता बना रखा है। लेकिन जब यहाँ पे पानी आता होगा ना तो देखो यहाँ पे क्रॉस करने के लिए एक रोप वे बना रखा है कि सो दैट यहाँ से रोप वे में बैठ के जो है गांव तक जा पाए। भाई लेकिन सच्ची बता रहा हूँ ऐसा लग रहा है ना जाने कहाँ आ गए, पूरा जन्नत लग रहा है सच्ची बता रहा हूँ। मतलब देखो ये शहर की भागदौड़ से कितना दूर रहते हैं। वैसे आई एम वेरी श्योर ना इन लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, क्योंकि इस रास्ते पे ट्रैवल करना रोज ऊपर नीचे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन सुकून भी अलग लेवल का होगा। बाकी अभी हम काफ़ी आगे आ गए और न जाने कितना और जाना है, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ और मेरे साथ जो आ रखा है वो भी पहली बार आ रहा है। तो बस हम दोनों चले जा रहे हैं जहाँ तक ये सड़क हमें लेके जाएगी। बाकी वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। ओ जी जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं ना भाई, वैसे वैसे ना जगह और सुंदर होती जा रही है। और अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को एक बहुत ही सुंदर नजारा। ये देखो भाई ये कितना जरा मस्त लग रहा है। एक काम करते हैं अभी यहाँ पे उतरते हैं पहले। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना पानी किसी ने रोका हुआ है यहाँ पे शायद नहाने वगैरह के लिए, क्योंकि पानी सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा है। और ये पानी गिरता हुआ और पीछे का नज़ारा देखो भाई ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है।
कि हम लोगों ने ना बहुत सारी इंस्टाग्राम के लिए फोटोज खींची हैं, जो कि अभी आ रही होगी आप लोग के स्क्रीन पे। तो अगर मुझे आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा है तो भाई किस बात की है देरी, जाके कर लो फॉलो, क्योंकि वहां डालता हूं मैं बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोज ऐसी प्यारी प्यारी लोकेशन में। बाकी चलिए इस प्यारी सी जगह को टाटा बाय बाय करते हैं। तो इसीलिए नई नई जगह जाने का ना मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं होता है कि आगे क्या देखने को मिलेगा, और ऐसे ही सरप्राइजेस जो है वो मिलते रहते हैं। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, क्योंकि मंजिल का तो पता नहीं लेकिन ये सफर भी भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है इस जगह की। ये देखो भाई, सच्ची बताऊंगा ना यार आप लोगों को, अपने दिल का एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है ना जाने कहां आ गए हम लोग, बहुत अलग लग रहा है बहुत ज्यादा। ये देखो भाई एकदम पहाड़ों के जड़ पे है, और सामने का नजारे देखो, और पानी देखो भाई इतना साफ है ना भाई क्या बताऊं मैं। मछली भी दिख रही है, हाँ दिख रही दिख रही भाई, मछली तो दिखाई दे रही है हमें इतनी दूर से। बाकी अभी हमें जाना है यहाँ से और आगे, तो चलिए फिर चलते हैं। तो जी अभी ना हम लोग शायद पहुंचने वाले हैं। बाकी देखो आसमान जो है वो एकदम पलट चुका है, और थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया है। ओ भाई आगे रास्ता देखिए जरा, अभी तक तो सब सही चल रहा था, और एकदम से रास्ता देखो जरा भाई, मौसम भी पलट गया और रास्ता भी पलट गया। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई। ओ भाई 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 भाई, वो सल्फर पुल कितना दूर है? ओके थैंक यू। यहाँ से नीचे तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में। अभी फिलहाल जल्दी से यहाँ पे हेलमेट वगैरह निकालते हैं, फिर करते हैं आप लोगों से बात। बाकी अभी हम पहुंच चुके हैं सल्फर पूल, और गाड़ी अपन लोगों ने यहाँ पे खड़ी कर दी है, तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। मतलब ये एकदम सड़क के जस्ट बगल पे, और ये देखो भाई ये है अपना सल्फर पूल। तो जी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सल्फर पूल में, और भाई कितनी प्यारी जगह है, इसके चारों तरफ देखो अपने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, और यही इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। तो ये जो आप पॉन्ड देख रहे हो ना, यहाँ से निकल रहा है हमारा सल्फर का पानी, जिसे हिंदी में बोलते हैं गंधक का पानी, जो कि स्किन के लिए ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये यहीं से निकल रहा है और फिर आगे जा रहा है उस वाले पूल पे। तो अभी फिलहाल अभी अपन लोग सोच रहे हैं कि ना नहा लें यहाँ पे, ऑल्दो थोड़ा ठंडा हो रहा है क्योंकि धूप जो है चली गई है, लेकिन सोच रहे हैं फिर भी नहा लेते हैं। चलो एक दो तीन। हमने यहाँ बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड करा, ऑलमोस्ट एक घंटा हम लोगों ने यहाँ पे रहा। बाकी यहाँ पे नहाने का प्लान था लेकिन मेरा मन जो बदला, बाकी बाइक को मैंने पानी में जो है कुदवा दिया था, जिससे बहुत प्यारे प्यारे शॉट आए होंगे जो कि आप लोगों ने देख ही लिए होंगे भाई। लेकिन जगह देख लो एक बार कितनी ज्यादा सही लग रही है, ये पूल है, इसके चारों तरफ के पहाड़ देखो, और ये खेत देखो, सब कुछ जो है ना वो टॉप नॉच है, और वो इस जगह को बहुत ज्यादा प्यारा बना रहा है। फिलहाल देखो यहाँ पे खड़ी है अपनी गाड़ी, और वो सामने यहीं पे सल्फर पूल, तो इतना ज्यादा पास है मेन रोड से। लेकिन अब ना बहुत जोर की भूख लग रही है, तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैगी पॉइंट भी है, लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। गूगल पे की उम्मीद में मत आना, कैश लेके आना। बाकी सामने देखो मैगी पॉइंट है, यहाँ पे मैगी पॉइंट है। बाकी अभी कुछ खाते हैं और फिर करते हैं आप लोगों से बात। तो जी भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, और खाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, कि वीडियो बनाना ही भूल गए। लास्ट में एक आखिरी मोमो बचा हुआ था, फिर ध्यान आया कि भाई वीडियो नहीं बनाई। बाकी दगड़ियों ये ऐसी जगह है ना भाई, जहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी जो पूरा रास्ता है ना वो जितना ही टफ है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर भी है, और ऊपर से जो डेस्टिनेशन है यानी जो सल्फर पूल है ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो जी यहाँ आना तो बनता है। बाकी इसका रूट ना मालदेवता से कटता है लेफ्ट साइड, और वहाँ से सीधा सीधा आते रहो नदी के साथ साथ पूरा का पूरा रास्ता है। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर की तरफ, तो एक काम करते हैं इन ही खूबसूरत नजारों के साथ, और सामने सल्फर पूल के साथ
इस वीडियो करते हैं एंड, आपसे मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।